तो हाँ भाई लड़को, वेलकम बैक टू अनदर गेमिंग वीडियो। और इस वीडियो हम बात करेंगे टॉप 5 गेमिंग मोबाइल फ़ोन अंडर 3000। और इस लिस्ट में सारे डिवाइस में तुम्हें 3 GB की रैम मिल जाएगी और काफ़ी तगड़ा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। और इसमें तुम पबजी जैसे गेम और फ्री फायर वगैरह पबजी लाइट वगैरह सारे गेम काफ़ी आसानी से खेल सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर तो तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि तुमको ऐसी ही और वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 25 लाइक्स का। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। तो बात करें अपनी लिस्ट के पहले डिवाइस के बारे में। तो ये डिवाइस जो है ये आता है MI की तरफ से, ये है MI 4A। हाँ, MI 4A। बात करें इसकी डिस्प्ले साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 3 GB की रैम एंड 32 GB की इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको बैक में 13 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में 5 MP का, जो आपको काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक करके दे देंगे डिसेंट सी। और बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 425 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, सब मेरी वीडियो में नीचे कमेंट करते हैं कि ये वीडियो मतलब ये डिवाइस है 10 से 12 हज़ार के बीच में। तो भाई मैं इन लिस्टों में ना सेकंड हैंड डिवाइस के बारे में बात करता हूँ, तो आप OLX पे चेकआउट करना, तो आपको इतनी प्राइस में सारे डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। और बात करें इसके बैटरी साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 3120 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर पीछे नॉइज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं ऊपर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारे इधर मतलब बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ आ सकती है। और बात करें अपनी लिस्ट के सेकंड डिवाइस के बारे में, तो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग J7 Prime। और बात करें इसकी डिस्प्ले साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 5.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और ये पैनल भी काफ़ी अच्छा है। और बात करें इसकी रैम एंड स्टोरेज के बारे में, तो इसमें आपको 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 13 MP का बैक में कैमरा, फ्रंट में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो आपको काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक करके दे देगा। बात कर लें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको Exynos 7870 देखने को मिल जाएगा, जो आपको गेमिंग करा देगा। और बात कर लें इसके बैटरी साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 3300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और अब बात कर लें अपनी लिस्ट के थर्ड डिवाइस के बारे में, तो आता है पैरासोनिक की तरफ से, है पैरासोनिक का ILUGA A3 Pro। तो बात कर लें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 5.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 3 GB की रैम मिल जाएगा, 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। बात कर ले कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 13 MP का बैक में कैमरा और फ्रंट में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और बात कर ले इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek का 6753 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो आपको पबजी लाइट जैसे फ्री फायर जैसे गेम आसानी से आपको चला के दे देगा। और बात कर ले इसके बैटरी साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 4100 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब बात करें अपनी लिस्ट के फोर्थ डिवाइस के बारे में, और जो डिवाइस है मेरी पहले भी कई लिस्ट में आ चुका है, तो मैंने इसे इस लिस्ट में इसलिए दोबारा लिया क्योंकि डिवाइस इतना अच्छा है, इसकी मतलब परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो बात कर ले अपनी लिस्ट के फोर्थ डिवाइस के बारे में, तो वो है OPPO A71। बात कर ले इसके डिस्प्ले साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 5.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 3 GB की रैम एंड 16 GB की इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 13 MP का बैक में कैमरा और फ्रंट में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो अगेन आपको फोटो काफ़ी अच्छी क्लिक करके दे देगा। बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, वो है MediaTek 6750। हाँ, 6750, जो आपको गेमिंग भी काफ़ी अच्छी करा देगा। और बात कर ले इसकी बैटरी साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और अब बात कर ले अपनी लिस्ट के लास्ट डिवाइस के बारे में, तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड का डिवाइस है, वो है नोकिया 5.1। बात कर ले इसकी डिस्प्ले साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 3 GB की रैम एंड 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और बात कर ले इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 60 MP का बैक में कैमरा, फ्रंट में 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और बात कर ले इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको Helio P18 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो आपको पबजी लाइट फ्री फायर जैसे गेम काफ़ी आसानी से रन करा देगा। और अब बात कर ले इसकी बैटरी साइज़ के बारे में, तो इसमें आपको 20,970 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी,
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, और आपको इन लिस्ट में जोन सा फ़ोन अच्छा लगा हो तो उसे मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो का भी लाइक एम पूरा करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।